बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में भी टॉपर्स छात्रों को लैपटॉप, नकद और किंडल ईबुक रीडर देता है। वैसे छात्र या छात्राएं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया उसे प्रोत्साहन के रूप में यह दिया जाता है। बता दें कि 10वीं में अलग अलग डिवीजन के टॉपर्स के लिए अलग तरह के प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार जो छात्र मैट्रिक परीक्षा में टॉप करेगा उसे बोर्ड की ओर से एक निश्चित राशि दी जाएगी। इसके साथ ही नगद लैपटॉप और ईबुक रीडर का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा। बता दें कि 10वीं के प्रथम रैंक टॉपर को 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप और एक किंडल ईबुक दिया जाएगा। बता दें कि दूसरे रैंक वाले टॉपर को 50,000 रुपए नगद और एक लैपटॉप और एक किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। तीसरे रैंक टॉपर को भी 50,000 रुपए के साथ एक लैपटॉप और एक किंडल ईबुक रीडर दिया जाएगा। चौथे और पांचवे स्थान के टॉपर को 15,000 रुपए और एक लैपटॉप दिया जाएगा। एक बार फिर से बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक में भी टॉपर्स छात्रों को लैपटॉप, नगद और किंडल ईबुक रीडर देता है। वैसे छात्र या छात्राएं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया उसे प्रोत्साहन के रूप में यह सब दिया जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।